बॉलीवुड से बुरी खबरों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। 29 तारीख को मशहूर अभिनेता इरफान खान की मौत हो गई थी। लोग और बॉलीवुड अभी इरफान खान की मौत की खबर से उबरी भी नहीं थी कि आज एक और बुरी खबर ने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। जी हाँ, बॉलीवुड का एक हरफन मौला कलाकार जिसने अपने अभिनय से लगभग 50 दशक से लोगों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेगा स्टार ऋषि कपूर की, जिनकी आज सुबह मृत्यु हो गई। ऋषि कपूर अपने अभिनय का लोहा कई फिल्मों में मनवा चुके हैं। अपने दौर की लगभग सभी टॉप मोस्ट हीरोइनों के साथ काम किया और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बॉलीवुड के लगभग हर दिग्गज कलाकार के साथ काम किया। फिर वो चाहे दिलीप कुमार हों, अमिताभ बच्चन हों, राजेश खन्ना हों, धर्मेंद्र हों, जितेंद्र हों और संजय दत्त से लेकर ऋतिक रोशन तक के साथ बेहतरीन अभिनय का परिचय दिया। ऋषि कपूर हमेशा एक खुश दिल इंसान बने रहना चाहते थे। ऋषि कपूर की एक खास बात ये भी रही कि वो कभी विवादों में नहीं रहे और वो अपने ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने वाले इंसान थे। हमेशा लोगों को मोटिवेट करना उनकी आदत रही। उन्होंने जो कुछ कभी कहा वो डंके की चोट पर कहा, उन्हें किसी बात का डर कभी नहीं रहा। आज उस महान अभिनेता की याद में पूरा बॉलीवुड गमगीन हो चुका है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी, साथ ही देश के बड़े नेताओं ने भी ऋषि कपूर की मौत का शोक मनाया। आज पूरा देश ऋषि कपूर की मृत्यु से आहत है। अमिताभ बच्चन ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं आज टूट गया हूँ। अखिलेश यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि एक युग का अंत हो गया है। बहन मायावती ने भी ऋषि कपूर की मृत्यु को अति दुखद बताया। ऋषि कपूर के निधन के पूर्व का कुछ पल जो आपकी आंखें भी नम कर देगा। तेरे दर्द से दिल आवा दे रहा, तेरे दर्द से दिल बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। आशीर्वाद तुम्हारे मुझे है, बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो, शोहरत नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांड बात। ऋषि कपूर जी की अंत्येष्टि का कार्यक्रम रणबीर कपूर द्वारा संपन्न हुआ।